हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है, आप जितने संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं या जितने भी किसान हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, सूत्रों के हवाले से जो है ये खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बाद फ्रेंड्स ये प्रक्रिया कब से लागू की जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से जल्द ही हटा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और यूपी के जो अगले सीएम होंगे ये केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, हमने जो है कुछ दिन पहले आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि जो भी आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत, ये जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और बीजेपी पार्टी में जो है इन सारी चीज़ों का जिक्र चल रहा है कि जल्द ही जो है इन्हें सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कल के न्यूज़पेपर में जो है ये समाचार निकला भी हुआ था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये बताई जा रही है कि यूपी में इस बार के लोकसभा 2024 के चुनाव में सीटें कम निकलना। और देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो है इसका सारा दोष जो है ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, सभी को जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है कि जब से जो है ये यूपी के सीएम बने हैं, तब से ये किसी भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में इनके द्वारा बढ़ोतरी नहीं की जा रही है और ना ही जो है कोई वैकेंसी वगैरह निकाली जा रही है। और पेपर लीक वाला मामला जो है ये जो है दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर आ रहा है इन्हीं सब नाराजगी की वजह से। और साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव जो कि 2026 या 27 में होने वाला है, इसे देखते हुए जो है इनको सीएम के पद से हटाने का डिसीजन ले लिया गया है। और फ्रेंड्स, जल्द ही जो है यूपी के अगले सीएम पद पर केशव प्रसाद मौर्य विराजमान होंगे। हालांकि फ्रेंड्स, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम पद पर विराजमान होंगे, इनके द्वारा जो है सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ में जो है इनके द्वारा सभी के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का भी आदेश दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पहला आदेश यही जारी किया जाएगा कि पूरे यूपी से ठेकेदारी प्रथा पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों को जो है परमानेंट कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है इन सभी लोगों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है पंचायत सहायकों के मानदेय को लेकर भी चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पंचायत सहायकों का मानदेय काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि एक चिंता का सबब बना हुआ है। और फ्रेंड्स, जो भी मंत्री वगैरह हैं या जो भी सांसद वगैरह हैं, इन सारे लोगों के द्वारा जो है बार बार इस संबंध को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ज्ञापन भी भेजा जा रहा था कि इनका जो मानदेय है इसमें जो है बढ़ोतरी किया जाए। और फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़गी जताई जा रही है मंत्रियों द्वारा। और फ्रेंड्स, हालांकि इस संबंध में जो है शिक्षा मित्रों द्वारा काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है, जो भी महिला शिक्षा मित्र हैं या पुरुष शिक्षा मित्र हैं, इनके द्वारा जो है अपना सिर मुड़वाकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है अपना मानदेय बढ़ाने के संबंध में। हालांकि फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है इन सारी चीज़ों पर किसी भी प्रकार का कोई भी अमल नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में जो सीटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम निकली हुई है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है बीजेपी पार्टी या एनडीए पार्टी को इस बार के केंद्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और सरकार बनाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि फ्रेंड्स, अभी जो है ये भी चीज़ें पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रही है कि केंद्र में जो है एनडीए पार्टी की सरकार चल सकती है, कभी भी जो है इनकी सरकार गिर सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है विधानसभा का चुनाव यूपी में होना है, इन्हीं सब चीज़ों को जो है लेकर इन्हें जो है सीएम के पद से हटाया जाए
जाने का डिसीजन ले लिया गया है। और फ्रेंड्स जल्द ही जो है आप लोगों के सामने ये चीज़ें सामने निकल कर आ भी जाएगा। और फ्रेंड्स इनके सीएम बनने से जो है आप लोगों के संबंध में जो है जल्द ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। खासकर जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर और साथ ही साथ जो है आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।